सबको गुड मॉर्निंग सो प्रैक्टिस कैसे चल रहा है एक्सेल का आज आज का क्लास में हम कुछ नया नया सीखेंगे एक्सेल में मेरा एक ही मिनट मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यस yes, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं <coughs> ये कुछ स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है ओके okay, ये स्टूडेंट्स का डिटेल्स है एक एक्सेल शीट है ये स्टूडेंट का एक्सेल शीट ये एक्सेल शीट से हम आज का क्लास में यहाँ पे फिल्टर कंडीशन सम एवरेज काउंट नंबर देन नेक्स्ट यहाँ पे uh, राइट अबो ये जो भी है ना ये आज का क्लास में हम सीखेंगे क्लियर ऑल क्लियर कल कल का क्लास में हम सीखे थे इन डिलीट एंड फॉर्मेट आज का क्लास में हम सीखेंगे सॉर्टिंग का ऑर्डर देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग का है सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देन नेक्स्ट कस्टम सॉर्ट ये तीनों सॉर्ट सीखेंगे देन नेक्स्ट उसके बाद फाइंड गो टू वो यहाँ पे सीखेंगे देखिए यहाँ पे हम सॉर्टिंग करने के टाइम यहाँ से कर सकते आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखिये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहां पर अगर आप देखे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना है तो स्मॉलेस्ट टू एक्सपैंड दिलेक्शन कंटिन्यू विथ अगर मैं कंटिन्यू विथ दिलेक्शन बोले तो वो जो कॉलम में सेलेक्ट करता हूँ वही कॉलम एक्चुअली शॉर्टिंग होगा ओके देखिये अगेन रिपीट कर रहा हूं शॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एक्सपैंड द सेलेक्शन कंटिन्यू विथ द करेक्शन अगर मैं कंटिन्यू विंट सेलेक्शन बोले तो ये सेल जो भी है मैंने सेलेक्ट किया वही सेल पे फॉर्मेट होगा अगर आपको दोबारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक्सपैंड द सेलेक्शन एक्सपैंड द सेलेक्शन बोले तो उसके साथ जो भी अदर कॉलम्स है राइट right? उसके साथ ये शॉर्ट हो जाएगा ये एक्चुअली सही ऑप्शन है क्योंकि देखिए यहां पे हंड्रेड मार्क्स इंग्लिश किसको आया सुजल इसको मैं सेलेक्ट करता हूं देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया अगर मैंने शॉर्टिंग शॉर्टिंग ऑन वन पर्टिकुलर कॉलम ही किया शॉर्टिंग ऑन सेलेक्शन किया तो अदर कॉलम जो भी है ओ, नहीं शॉर्टिंग ऑन ऑल कॉलम्स किया मैंने शॉर्टिंग ऑन स्पेसीफाइड कॉलम देखिये ये रिमेनिंग अदर चीज जो भी है वो वैसे ही है बट ये शॉर्टिंग जो एफ कॉलम में है वो शॉर्ट हो गया ये एक्चुअली गलत है अगर हम सॉर्टिंग किए तो सब मिला के करना सब मिला के ही करना एक ही एक रो को सॉर्टिंग हमको किए तो वैसे ही प्रॉब्लम होगा देखिए एक्चुअली सुजल 112 इसको इंग्लिश में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आया बट मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग कर दिया इसकी वजह से इसको जीरो आ गया यहाँ पे देखिए अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं लार्जेस्ट एक्सपैंड द सिलेक्शन देखिए सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया अभी देखिए ये सही है एक्चुअली ये सही वैल्यू है ओके okay, सो so ऐसा हम सॉर्टिंग करते हैं सॉर्टिंग ऑन एक्सपैंड सेलेक्शन बोल के करते हैं हम और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट भी है कस्टम शॉर्ट बोले तो आपको कौन सा कौन सा रोज को शॉर्ट करना वो रोस को हम शॉर्ट कर सकते देखिए कस्टम सॉर्ट पहले हम स्टूडेंट नंबर के ऊपर कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है उसके बाद उसके बाद कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट नेम के ऊपर स्टूडेंट के नेम के ऊपर उसके बाद शॉर्टिंग कर रहा हूं मैं मार्क्स के ऊपर देखिए अगर वो नंबर है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा क्योंकि नंबर है रेट नंबर कॉलम को स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आएगा एंड टेक्स्ट कॉलम जो भी रहते हैं वो ए टू जेड आएगा टेक्स्ट कॉलम बोले तो स्टूडेंट नेम जो भी है इसमें नंबर नहीं रहेगा सिर्फ आपको टेक्स्ट रहेगा सो so, टेक्स्ट टेक्स्ट बोले तो आप अल्फाबेट्स ले सकते ए टू जेड जो भी है वो टेक्स्ट ले सकते हैं एंड नंबर बोले तो वन टू जो भी लाख टू नंबर है उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आएगा टेक्स्ट में ए टू जेड आएगा अभी देखे ऐसा शॉर्टिंग कर रहा हूं मैं अगर आप शॉर्टिंग करने के टाइम देखिए कौन सा कौन सा फील्ड्स को शॉर्ट किया है बोल के भी सिस्टम दिखाई देगा देखिए यहाँ पे एक एरो जैसा है ये ऊपर ऊपर ऐसा एरो दिखाए तो ओके वो सॉर्टिंग ए टू जेड है ऐसा दिखाए तो वो जेड टू ए सॉर्टिंग है नंबर नंबर में ऐसा दिखाए तो जीरो से लेकर ज्यादा एक एक एक, एक नंबर ज्यादा जाने का और ऐसा नंबर के ऊपर शॉर्टिंग किया तो वो ऊपर से नीचे आने का हंड्रेड नाइनटी नाइन नाइन्टी एट नाइनटी सेवन ऐसा आने का एक्चुअली ओके सो हम शॉर्टिंग किया यहाँ पे तीन कॉलम के ऊपर शॉर्टिंग किया सो so, आप यहाँ पे ये यह शॉर्टिंग का भी आप देख लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग का आप देखे तो ये पर्टिकुलर फील्ड को शॉर्ट किया हमने ये पर्टिकुलर फील्ड को शॉर्ट किया और ये पर्टिकुलर फील्ड को शॉर्ट किया हम शॉर्ट किए थे तीन फील्ड्स के ऊपर एक है सीरियल नंबर एक है सीरियल नंबर और एक है हमारा नेम है द नेक्स्ट और एक है इंग्लिश इंग्लिश जो भी है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सो so, तीन कॉलम्स के ऊपर हम शॉर्टिंग किए थे यहाँ पे ये शॉर्टिंग का ऑप्शन है ये है शॉर्टिंग का ऑप्शन शॉर्टिंग कस्टम शॉर्ट एंड ये फिल्टर का ऑप्शन भी है देखिए यहाँ पे ये डाउन एरो जो दिख रहा है आपको दो, जो डाउन एरो दिख रहा है ऐसा एक एरो दिख रहा है राइट आपको ये एरो को डाउन एरो नहीं तो नहीं तो हम फिल्टर एरो नहीं तो लिस्टेड ऐसा लिस्टेड ऐसा हम डिफरेंट नाम से हम बोल सकते हैं उसको आ, नहीं तो आप फिल्टर बोल दीजिए आराम से रहेगा एंड ये फिल्टर करने के टाइम यहाँ पे हमको ऑप्शन है यहाँ पे भी आप ए टू जेड शॉर्ट ए टू जेड करिए शॉर्ट बाई कलर कीजिए शॉर्ट बाई देखिए यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स को येलो कलर को सॉर्ट करता हूं ओके अभी देखें, सॉर्ट बाय, यहाँ पे ही यहाँ पे आ, आप बोल दीजिए सॉर्ट बाय ये येल्लो कलर देखिए जो भी येलो कलर का है वही सॉर्ट होगा रिमेनिंग सब नहीं आएगा सॉर्ट होगा नहीं तो वही सेलेक्ट भी होगा रिमेनिंग सब सेलेक्ट नहीं होगा दोबारा रिपीट कर रहा हूं देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप ले लीजिए यहाँ पे मैं येल्लो किया और यहाँ पे कुछ दूसरा कलर लिया अभी अ, अभी आप सॉर्टिंग कर दीजिए ये पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर सॉर्ट सॉर्ट बाय कलर देखिए कौन सा कलर पे आप सॉर्ट करना चाहते हो यहाँ पे हम मेंशन किए थे यहाँ पे नंबर्स नंबर्स मेंशन किए थे और यहाँ पे नंबर्स है वैसे ही यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते नहीं तो फिल्टर कर सकते ऑन दिस अगर यही हमको चाहिए देखिए ये फिल्टर आउट हो गया ये फिल्टर आउट हो गया वैसे ही अगर आप वाइट के ऊपर फिल्टर बाय कलर जो भी कलर हम दिए थे उसके ऊपर वो फिल्टर हो रहा है फिल्टर बाई फिल्टर by, ये सिर्फ एक ही सेलेक्ट करेगा ये फिल्टर कंडीशन यहाँ पे फिल्टर बाई कलर जो भी है ना ये एक ही सेलेक्ट करेगा मल्टीपल नहीं सेलेक्ट करेगा नहीं तो ये रिमूव कर दीजिए सब आ जाएगा आपको इसमें फिल्टर ऑप्शन में ही और एक देखिए यहाँ पे मेरे को इतने सारे हैं इसमें से ये सेलेक्ट ऑल बोले तो सब आ जाएगा बट मेरे को इसमें एक ही एक चीज चाहिए ट्वेंटी फोर का देखिए सिर्फ ट्वेंटी फोर का ही आया इस पे एक चेकबॉक्स है राइट ये चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए कौन सा चाहिए आप ये बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए अगर वो चेक किया फिल्टर किया तो वही कॉलम्स का डिटेल्स आएगा देखिए मैंने दो तीन ही बोला था सो दो तीन ही आया यहाँ पे एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मेरे को सब फिल्टर आउट करना बोले तो ऑल कर दीजिए सब आ जाएगा आपको अभी देखिए यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन बोल के दे रहा हूँ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन बोले तो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन ही आएगा वैसे ही यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में अगर आपको कलर कलर का चाहिए बोले तो कलर का आएगा कल कलर कैसा देना अभी ये कॉलम देखे थे राइट हम अभी ये कॉलम पे देखेंगे ये कुछ कलर्स दे रहा हूँ मैं ये ये डिफरेंट कलर और यहाँ पे और एक कलर यहाँ पे यहाँ पे और एक कलर ऐसा तीन कलर दिया मैंने अभी देखे कलर के हिसाब से यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार 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 और पांच यहाँ पे हमारे पास पांच कलर्स है इसमें ये पांच कलर्स में अगर आप देखें तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव इसमें मेरे को येलो का चाहिए सो so, यलो का आ गया वैसे ही यहाँ पे ये कलर चाहिए ये कलर आ गया और वैसे ही इस पे दूसरा कलर ब्लू कलर चाहिए ब्लू कलर का आ गया वैसा हम फिल्टर कंडीशन ऐसे भी कर सकते हैं कलर के ऊपर भी कर सकते हैं वैसे ही फिल्टर फिल्टर बोले तो ये पूरा डेटा ये पूरा डेटा जो भी है ना ये पूरा डेटा में मेरे को कुछ कुछ डेटा ही चाहिए पूरा डेटा नहीं चाहिए बल्कि हमारा कंडीशन है तो तब हम फिल्टर यूज कर सकते हैं अभी देखे ये फिल्टर कंडीशन पे ही यहाँ पे फिल्टर में नंबर फिल्टर है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू आप ट्वेंटी फोर दीजिए सर सिर्फ ट्वेंटी फोर का आएगा वैसे ही डज नॉट इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू थर्टी फाइव दीजिए थर्टी फाइव है ही नहीं सो सब कुछ आ गया आपको यहाँ पे बिटवीन भी है मेरे को डेटा इन बिटवीन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थर्टी चाहिए ट्वेंटी एंड थर्टी सो आपको डेटा आएगा ट्वेंटी एंड थर्टी से देखिए सब डेटा जो भी है ट्वेंटी एंड थर्टी के बीच में है वैसा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर कंडीशन पे है आप एक 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 देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन ग्रेटर देन सिक्सटी देता हूँ मैं ग्रेटर देन सिक्सटी दिए तो जो भी सिक्सटी से ऊपर है राइट वो सब डेटा आएगा यहाँ पे सो so, आप आज का क्लास से इफ फिल्टर कंडीशन जो भी है राइट इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन देन ग्रेटर इक्वल लेस देन बिटवीन देखिए यहाँ पे टॉप टेन भी है अगर आपको टॉप टेन चाहिए टॉप टेन टॉप टेन का इंफॉर्मेशन आएगा देखिए वन टू थ्री फोर ये टॉप टेन का इंफॉर्मेशन है टॉप टेन से भी ज्यादा है एक्चुअली टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन थर्टीन है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अगर आपको टॉप फाइव चाहिए सिर्फ टॉप फाइव है देखिए टॉप फाइव का इंफॉर्मेशन आया आपको एंड इसी के ऊपर टॉप टॉप ट्वेंटी चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कितना चाहिए आप एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो मेरे को टॉप ट्वेंटी चाहिए बोले तो टॉप ट्वेंटी का देगा मेरे को टॉप हंड्रेड चाहिए नहीं तो टॉप वन ही चाहिए मेरे को टॉप थ्री चाहिए मेरे को टॉप थ्री चाहिए देखिए बिकॉज यहाँ पे सब हंड्रेड 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 है राइट इसीलिए वही वही लेके ये दे रहा है देखिए यहाँ पे नाइनटी एट नाइनटी एट एक है दो तीन चार पांच ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पे फाइल या देखिये एवरेज बिलो एवरेज का भी ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट किया यहाँ पे एबो एवरेज देखिए सब सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी जो भी है राइट वो सब एबो एवरेज पे आएगा यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखे तो एबो एवरेज का खुद डिसाइड कर लिया ये एबो एवरेज का वैल्यूज Okay, क्लियर फिल्टर फॉर्म इंग्लिश आप देखिए सेवेंटी सिक्सटी से ऊपर जो भी है राइट वो सब एवरेज एबो एवरेज लिया एंड यहाँ पे एंड उसके ऊपर आप फिल्टर कर दीजिए अभी आपको सेवेंटी सिक्स एट ऐसा कंफ्यूजन हो गया हो जा रहा है राइट आप अभी फिल्टर कर दीजिए आपको पता चल जाएगा इंग्लिश लार्ज स्मॉलेस्ट टू मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बोल रहा हूँ देखिए सिक्सटी से लेके से लेके हंड्रेड तक एबो एवरेज का सिनेरियो पे आ गया अभी यहाँ यहीं पे आप बिलो एवरेज देख लीजिए क्या आएगा देखते देखिए बिलो एवरेज बिलो एवरेज एंड इसको भी हम फिल्टर मार देते हैं फिल्टर ऑन इंग्लिश देखिये जीरो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी नाइन फोर्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी नाइन सो so, जो भी 60 के नीचे है सिस्टम उसको बिलो एवरेज बोल के मेंशन कर दे रहा एंड जो भी सिक्सटी के ऊपर है उसको एबो एवरेज बोल के दे रहा सो so, यहाँ पे जो भी फिल्टर्स है रेट, आप ये सब फिल्टर्स आप एक बार आप एक बार पूरा टेस्ट कर लीजिए फिल्टर्स में इक्वल डजेंट इक्वल ग्रेटर देन लेस आप आज का आज का एक्सरसाइज वही है आपको ये पूरा एक्सेल जो भी है वो उसको आप पर्टिकुलरली सॉर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिल्टर क्या है वो आप कर दीजिए देखिए ये यह यहाँ पे इंग्लिश कर रहा हूँ इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको क्लियर ऑल बोल के बोल रहा हूँ देखिए ये पूरा क्लियर हो गया क्लियर ऑल बोले तो पूरा वो जो भी वैल्यूज है राइट वो सब क्लियर हो जाएगा देखिए क्लियर कंटेंट सेम क्लियर कंटेंट पूरा क्लियर हो गया ये इस काम के लिए हम क्लियर का फंडा जो भी है राइट वो यूज करते हैं सॉर्टिंग हुआ एंड इसमें फाइंड फाइंड अगर यहाँ पे हूं मैं भवानी बोल के भवानी बोल के कुछ नेम है ओके कंट्रोल एफ भवानी देखिए भवानी कंट्रोल एफ बोले तो वो फाइंड होगा ओके okay. अगर फीमेल जो भी है फीमेल जो भी है उसको मैं यफ बोलके लिखना चाहे तो एफ फीमेल फीमेल को सेलेक्ट कर दीजिए फीमेल के को कैपिटल एफ बोल के किया देखे सब कैपिटल एफ में हो गया वैसे ही मेल को कैपिटल यम बोल के दिया तो वो कौन सा रो चाहिए वो रो को अब सेलेक्ट करके मेल को एम कर दिया फीमेल को एफ कर दिया अभी देखिए यफ कैपिटल यफ कैपिटल यफ जो भी है उसको मैं दोबारा फीमेल कर रहा हूँ फीमेल किया एंड कैपिटल यम जो भी है कैपिटल एम जो भी है उसको मेल कर रहा हूँ मैं देखिए यहाँ पे फीमेल यम बोल के दिया राइट यम जहां पे भी यम है तो वो मेल बोल के दिया राइट इसकी वजह से ये फीमेल के अंदर भी एक यम है वो यम को ये रिप्लेस कर दिया सो so, इसको भी इसको भी मैं अभी चेंज कर लेता हूँ सो so, चेंज करने के टाइम आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा नहीं तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा फीमेल फीमेल के अंदर एम है उसको वो एम को लेके उसको मेल कर दिया वो पूरा ओके okay, सो so ये फाइंड का ऑप्शन है फाइंड रिप्लेस गो टू कंट्रोल जी ऑप्शन है गो टू गो टू स्पेशल केस ब्लैंक गो टू ब्लैंक बोल के दिए तो वो यहां पर भी जहां पे भी ब्लैंक है राइट वहां पे चले जाएगा देखिए यहां पे कंट्रोल जी मार रहा हूं गो टू स्पेशल गो टू यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है देखिए कांस्टेंट फॉर्मुला इज़ इक्वल टू नंबर देखिए नो सेल फाउंड यहाँ पे ही आप गो टू स्पेशल बोल के यहाँ पे गो टू डायरेक्टली स्पेशल आप दे सकते हो लास्ट सेल कौन सा लास्ट सेल है वहां पे जाएगा ये यहाँ पे लास्ट सेल है देखिए यहाँ पे आ गया गो टू लास्ट सेल बोले तो लास्ट सेल पे आ जाएगा फार्मूला बार है ये जो भी है वो फॉर्मूला बार है ओके okay, ये फॉर्मूला बार है सो so, ये सब है एंड ये सब कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको इंसर्ट इंसर्ट टिक इंसर्ट परसों का क्लास में हम देखते हैं पेज लेआउट देखिए यहाँ पे पेज लेआउट इसमें भी सेम आपको कौन सा कलर पे चाहिए पेज लेआउट ये पूरा सेलेक्ट करके पेज लेआउट दे दीजिए आप ये पूरा सेलेक्ट करके थीम्स भी दे सकते आप कौन सा थीम पे चाहिए इन थीम पे आ गया देखे थीम चेंज हुआ वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है वो कौन सा थीम चाहिए वो थीम से आपको चेंज होगा एंड कलर्स भी अगर कुछ डिफरेंट कलर्स चाहिए तो डिफरेंट कलर्स भी आप दे सकते हो देखिए कलर चेंज हुआ बट आपको वो पर्टिकुलर कलर समझ में नहीं आ रहा आई विल will... यहाँ पे फॉन्ट भी देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स कलर जो भी है वो चेंज करना तो यहाँ लेआउट पे, पे यहाँ पे कर सकते हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड नेक्स्ट चीज ओरिएंटेशन नॉर्मल वाइड नॉर्मल वाइड आप आपका अगेन जो हम जो हमारा बिल्स जो किया था रेट हम नेक्स्ट वीक में वो बिल्स अगेन यहाँ पे भी कर देंगे एक कैसा करने का वो हम नेक्स्ट वीक पे देखते हैं एंड ओरिएंटेशन लैंडस्केप एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको प्रिंट एरिया जो भी है वो देखना देखिए सेट प्रिंट एरिया आपको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट एरिया कैसा है वो आप सेट कर सकते हो यहाँ से हाइट हाइट कैसा रहना वन पेज का हाइट टू पेज का हाइट नहीं तो कौन कितने पेजेस का हाइट वो सब आप यहाँ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो एंड यहाँ पे ये कस्टम मार्जिन मार्जिन भी है वो कस्टम मार्जिन के हिसाब से आप पेज नहीं तो शीट का जो भी है वो आप डिसाइड कर सकते हो मेरे को वन पॉइंट नाइन नहीं तो आपको कैसा चाहिए प्रिंट प्रीव्यू देखिए देखिए प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू देखिए ये कैसा है एंड इसका साइज आप इंक्रीज करिए तो देख सकते पूरा पेज आया नहीं आया हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल कंप्यूटर्स यहां तक है सो so, यहाँ से हम बाहर आएंगे देखिए यहाँ यहाँ तक पूरा है पेज पेज पूरा है सो so, हम ये पर्टिकुलर चीज़ जो भी है ये पर्टिकुलर पेज जो भी है ना ये सेलेक्ट ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया नहीं तो स्केल फिट यहाँ पे सिर्फ वन पेज ही डालेंगे वन पेज एंड यहाँ पे भी वन वन पेज ही डालेंगे प्रिंट टाइटल्स यहाँ पे मार्जिन प्रिंट प्रीव्यू देखिए यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन ये लेफ्ट साइड पे पूरा डिफाइन कर दिया गया या आपको कैसा चाहिए लेटर पे चाहिए नहीं तो ए फोर पे मैंने ए फोर को मांग रहा हूँ ए फोर ये सब करके देखिए सेकंड पेज में भी है दो पेजेस में आया एक्चुअली ये सो so इसको अगर आप प्रिंट करना चाहे तो आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ प्रिंट टू पीडीएफ किए तो ये कॉपी जो भी है वो पीडीएफ में कॉपी होगा आपको गेट रेडी ये प्रिंट टू पीडीएफ रेडी प्रिंट टू पीडीएफ देखिए प्रिंट टू पीडीएफ देखिए स्टूडेंट मार्क्स स्टूडेंट मार्क्स इन पी डी एफ फॉर्मेट पी डी एफ फॉर्मेट सो ये बिल्स जो भी है यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूं देखिये ये कॉपी हुआ अभी आप यहाँ पे पी डी एफ कहा कैसा आया देखेंगे हम ये पी डी एफ देखिये ये पी डी एफ साइज बहुत कम है एक्चुअली हम साइज ज्यादा नहीं दिए थे इसीलिए साइज कम है अगर इसी का साइज जो भी है साइज वो, वो को हम बढ़ा दिए तो वो साइज भी नीट आ जाएगा प्रिंट पीडीएफ नेक्स्ट इसी में प्रिंट टाइटल्स बैकग्राउंड अगर आपको बैकग्राउंड कुछ देना है तो बैकग्राउंड दे सकते हो नहीं तो सिर्फ इसी का एडजस्ट कर लेंगे ये ए फोर का एडजस्ट किया मैंने ओरिएंटेशन जो भी है ये मार्जिन मार्जिन ये है डेक्सिस का इसका एरियल का साइज है देन प्रिंट लेआउट प्रिंट एरिया प्रिंट कहीं पे ओपन हो रहा क्या हेडर फुटर फुटर राइट मार्जिन टॉप मार्जिन सेंटर ऑन पेज हाँ सेंटर ऑन पेज वर्टिकली नेक्स्ट पेज एडजस्ट टू ये टेन परसेंट है इसीलिए वो टेन परसेंट ही आ रहा जस्ट टू सिक्सटी परसेंट दिए तो अब देखिए अभी कैसा आया ये पहले पहले सिर्फ हंड्रेड सिर्फ हमने वो चेक किया था टेन परसेंट के लिए इसीलिए वो वर्डिंग जो भी है वो बहुत छोटा हो गया अभी मैंने इसको सेटिंग किया था सिक्सटी परसेंट है इसकी वजह से आपको ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है अभी सेम स्टूडेंट मार्क्स पीडीएफ यही स्टूडेंट मार्क्स पीडीएफ अगर अभी कॉपी किए तो स्टूडेंट मार्क्स पीडीएफ देखिए एट पेजेस का स्टूडेंट मार्क्स पीडीएफ हो गया आपको ये पेपर सेट, ये पेपर पेपर सेट सेटिंग जब आपको यूजफुल होगा ना तब आप बिल्स प्रिपेयर करते हो राइट तब ये पेपर का सेटिंग को जैसा वर्ड में यूजफुल होगा वैसा ही ये एक्सेल में भी यूज होगा कल से कल का क्लास में हम क्या करेंगे ना ये सब एडिशन कैसा करना इसका लेफ्ट नहीं तो ट्रिम कैसे करना एवरेज कैसा करना मैक्सिमम कैसा कैलकुलेट करना मिनिमम कैसा कैलकुलेट करना वो सब कैलकुलेशन का जो भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेल है राइट right? वो कल का क्लास में हम देखते हैं ओके सो so, कल का एंड परसों का क्लासेस में आपको एक्सेल का फॉर्मुलस जो भी है वो टीच कर लेता हूं मैं कल का परसों का मंडे मंडे से हम इसी में ग्राफ्स भी हम डाल सकते हैं एक्चुअली अगर आप एक स्टूडेंट ऐसा लेके छोटा सा ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको देखिए देखिए ये देखिए ग्राफ कैसा आ गया सिर्फ यहां पे आप सेलेक्ट किए तो देखिए ये ग्राफ जो भी है ये ग्राफ हम कैसा बना सकते हैं वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस पे हम देखेंगे ये एक्सेल से भी और इंटरेस्टिंग सॉरी वर्ड से भी और इंटरेस्टिंग रहेगा ये एक्चुअली कोई चैट पे कोई लिखा क्या है ये मारा का ये ये क्या है एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया भारतीय आप आप बोल सकते हो क्या है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप हम कल का क्लासेस से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं तो मिनिमम एवरेज वो सब हम एक्सेल में कैसे करते उसका हम एनालिसिस करेंगे ओके चलिए तो फिर कल का क्लास में अगेन हम मिलते सोनी मैम यू कैन टेक द क्लास